ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ यूनिट में स्लाइड ग्लास मेथड। ठीक है, अब तक हमने दो मेथड्स देखे हैं, अब हम थर्ड मेथड देखेंगे जो कि है हमारा स्लाइड ग्लास मेथड। तो ये हमारी डायग्राम है फॉर स्लाइड ग्लास मेथड। देखते हैं हम इसका वर्किंग कैसे है। तो एज शोन इन फिगर, वाटर इन द बॉयलर और ऑयल इन द ट्रांसफॉर्मर हुज लेवल इज टू बी मेजर्ड। मतलब क्या कि हमारी ये एक टैंक है जिसमें हमने वाटर या फिर कोई भी लिक्विड, जैसे वाटर, ऑयल या फिर कोई भी एक लिक्विड हमने इसमें लिया है। ठीक है, ये है सपोज हमारी एक टैंक है। ओके, इसमें हमने वाटर लिया है, कंसिडर करते हैं हमने वाटर लिया है। ठीक है, स्लाइड ग्लास मेथड में में क्या है, अ स्लाइड ट्यूब इज प्लेस्ड बिसाइड द टैंक। तो अब जैसे ये हमारी टैंक है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक स्लाइड ग्लास रहेगा। ठीक है, इस टाइप का, इसे हम टैंक के बाजू में रख देंगे। मतलब कैसे, ये हमारा एक स्लाइड ग्लास है, यहाँ पे एक कर्व है। ठीक है, स्लाइड ग्लास इज ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर्स एंड फ्रैक्शन। स्लाइड ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब विच रीड्स द लेवल एंड कैन बी सीन बाय द आइस। जैसे ये हमारी टैंक है, यहाँ पे हमने जो स्लाइड ग्लास रखा है, यह हमारा कैसे ग्लास से बना हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा कि यह ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो जब हम इस टैंक में पानी डालेंगे, पानी या फिर कोई भी लिक्विड या फिर ऑयल जो भी हम डालते हैं, जब हम इस टैंक में, जैसे हमने एग्जांपल लिया है पानी का, जब हम इस टैंक में पानी डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारी स्लाइड ट्यूब है यहाँ से, उसमें भी मेजर होगा पानी। ठीक है, मतलब अगर हमारी वाटर लेवल इतनी है, सिर्फ सपोज इतनी है, तो इसमें रहेगा क्या हमारा पानी, नहीं। सपोज इतनी है तो इतने ही लेवल में, ठीक है, एक ही लेवल में इस स्लाइड ट्यूब में भी हमारा पानी होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे इस ट्यूब पे कोई ना कोई स्केल रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे मेजर करेंगे कि हमारे इस टैंक में कितना पानी है। ठीक है, जो ये स्लाइड ग्लास है यहाँ से, हम वहाँ से मेजर करेंगे कितना पानी है, और जैसे ये वो मेजर करेंगे, हम यहाँ पे स्केल से वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड ग्लास ट्यूब में एडवांटेजेस क्या है, फॉर क्लीन एंड क्लियर लिक्विड्स एंड कलर्ड लिक्विड्स लेवल्स कैन बी डायरेक्टली रेड। मतलब यहाँ पे कोई भी कलर लिक्विड हो या फिर कोई भी क्लियर भी लिक्विड हो, तो हम इसे डायरेक्टली नेकेड आई से देख सकते हैं। हमें यहाँ पे कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है क्या, नहीं, हम डायरेक्टली इसे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, हमारी ये जो टैंक है, यहाँ पे हमने स्लाइड ट्यूब रखी हुई है। ठीक है, तो इस ट्यूब से हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी लेवल कितनी है, इतनी है या फिर कितनी है, ये हम मेजर कर सकते हैं इस लाइट ट्यूब से। इसीलिए हम यहाँ पे, हमारा एडवांटेजेस क्या है कि फॉर क्लियर एंड क्लीन एंड क्लियर लिक्विड्स एंड कलर्ड लिक्विड्स लेवल कैन बी डायरेक्टली रेड, नो ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्ड, डायरेक्ट मेजरमेंट, बेटर एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी बेटर रहेगी, हमें कोई ट्रांसड्यूसर की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूज्ड अप टू टेम्परेचर ऑफ 316 degrees and 10,000 psi, डिफरेंट ग्लास डिज़ाइन इज अवेलेबल। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे, कैन नॉट बी यूज फॉर डर्टी, विस्कस एंड कोरोसिव लिक्विड। हम ये मेजर डर्टी लिक्विड जो अगर रहेगा तो उसे मेजर करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, रिलायबिलिटी एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन लिक्विड एंड ग्लास प्रॉपर्टीज, अनसुटेबल टू रीड इफ टैंक इज लोकेटेड एट इनकन्वीनियंट प्लेसेस। एप्लीकेशंस क्या है हमारी, यूज फॉर कंटिन्यूस रीडिंग इंडिकेशन ऑफ लिक्विड लेवल विद इन द टैंक और वेसल, एंड यूज फॉर क्लीन एंड कलर्ड लिक्विड लेवल मेजरमेंट। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे एयर पंच और हाइड्रोस्टैटिक और फ्यूमेटिक मेथड। तो ये हमारी डायग्राम है फ्यूमेटिक मेथड की लेवल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारी एक वाटर टैंक है, एक हमारी यहाँ पर टैंक है, कोई भी वेसल या फिर टैंक है, इसमें लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है,
फिर क्या है, सीरो लाइन एयर पावर सप्लाई है, यहाँ पर रेगुलेटिंग वॉल्व है, प्रेशर केज है और बबलर ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है। एयर पंच और हाइड्रोस्टैटिक टाइप और फ्यूमेटिक मेथड। इन दिस मेथड अ बबलर ट्यूब, एयर रेगुलेटिंग वॉल्व एंड प्रेशर केज इज यूज। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्या है, बबलर ट्यूब है, एयर रेगुलेटिंग वॉल्व है और प्रेशर केज हमने यूज़ किया है। अ पाइप इन द फॉर्म ऑफ अ बबलर ट्यूब इज इंस्टॉल्ड वर्टिकली इन द टैंक, ठीक है। हमने पाइप को यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बबलर ट्यूब इज वर्टिकली इंस्टॉल किया, हमने यहाँ पे वर्टिकली इंस्टॉल किया है बबलर ट्यूब को, ठीक है। इट्स ओपन एंड इज अबाउट 8 सेंटीमीटर अबाउट द सेडिमेंट लाइन इन द वेसल। इट्स ओपन एंड मतलब ये जो हमारा एंड है, ये हमारा जो टैंक है, टैंक या फिर वेसल है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर अबाउट है, ठीक है। द अदर दैट इज अपर एंड ऑफ द पाइप कनेक्ट्स एयर इनलेट विद द रेगुलेटर ऑन द वन साइड एंड अ लेवल मेजरमेंट प्रेशर गेज ऑन इट्स अदर साइड। तो क्या है यहाँ पे हमने बोला है कि अपर एंड मतलब जो हमारे ये एंड है, वहाँ पे अपर एंड इज कनेक्टेड टू एयर इनलेट। तो हमारे जो अपर एंड है वो हमने एयर इनलेट के लिए यूज़ किया है और एक एंड हमने यहाँ पे प्रेशर गेज के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ से हम प्रेशर गेज पे मेजर करेंगे और यहाँ पे हम एयर इसमें हो जाएंगे, जिससे कि हम यहाँ पे बबल अगर हमें करना है, बबलर ट्यूब है तो इसमें हमें बबल तो चाहिए, तो कहाँ से आएंगे वो, इस एयर सप्लाई से, और जहाँ से हम वो रेगुलेट करेंगे इस रेगुलेटिंग वॉल्व से कितना चाहिए करके, ठीक है। बाय द रेगुलेटर द एयर सप्लाई इज सो एडजस्टेड दैट द प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन द प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड इन द वेसल टैंक। द रेगुलेटर इज ऑपरेटेड टिल बबल्स कैन बी सीन स्लोली लिविंग द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। मतलब हम इसे इस तरह से रेगुलेट करेंगे कि ये जो हमारी ट्यूब है, यहाँ से तब तक बबल जाएंगे जब तक वो ओपन एंड जो है हमारा, ये ट्यूब का जो ओपन एंड है, यहाँ से जब तक बबल्स ना आए तब तक हम यहाँ पे एयर सप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। एट दिस कंडीशन द एयर प्रेशर इन द बबल ट्यूब इज सेम एज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द एंड ऑफ द ट्यूब एंड दिस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड लेवल। दस लिक्विड लेवल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ एयर प्रेशर। तो हम लिक्विड लेवल कैसे मेजर करेंगे यहाँ पे, एयर प्रेशर के टर्म्स में। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा है, द एयर प्रेशर इन द बबल ट्यूब इज सेम, मतलब हमारी ऐसी कंडीशन पे जब तक हम करेंगे, ऐसी कंडीशन पे कब तक, जहाँ पर एयर प्रेशर हमारे बबल ट्यूब से वो सेम रहेगा प्रेशर ऑफ द लिक्विड के साथ, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे कैसे मेजरमेंट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एयर प्रेशर। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड इवन कोरोसिव। कोरोसिव लिक्विड के लिए भी हम यह मेथड यूज़ करेंगे। द एयर प्रेशर गेज इज कैलिब्रेटेड टू रीड द लेवल ऑफ द लेवल्स इन मीटर डायरेक्टली। दिस इज सिंपल एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड। एडवांटेजेस क्या है, लेवल मेजरमेंट ऑफ कोरोसिव एंड एब्रेसिव लिक्विड आर पॉसिबल बाय दिस लेवल मीटर। विद द यूज ऑफ पाइपिंग प्रेशर गेज कैन बी लोकेटेड इवन 150 meters अपार्ट फ्रॉम द टैंक। डिसएडवांटेजेस क्या है, एयर बबलिंग थ्रू लिक्विड इंटरफियर्स विद इट्स क्रिस्टलाइजेशन। एप्लीकेशंस क्या है हमारी, फॉर मेजरिंग लेवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड फॉर इवन कोरोसिव एंड एब्रेसिव लिक्विड लेवल्स कैन बी करेक्टली मेजर्ड।